हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हो ऑल टिप्स एंड ट्रिक। ऑल टिप्स एंड ट्रिक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप भी अपने फ़ोन से बातें करना चाहते हैं, उससे वो हर एक चीज़ का जवाब पूछना चाहते हैं दोस्तों, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ब्लैक एंड जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो एक गेमिंग पर होती है और एक हैकिंग पर होती है और ऐसी ही वीडियो चलती रहती है दोस्तों, और वो आपको मिल जाए जल्दी से। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया होगा ऐप का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ ओखा पड़ता है तो फिर यहाँ प्ले स्टोर पर भी आप आकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने सर्च करना है स्मार्ट अनाउंसर, पहले नंबर पे आपको दिख गया होगा। वो देखिए दोस्तों, ऊपर दिख रहा है स्मार्ट अनाउंसर, कुछ ऐसा दिखेगा, इसको इंस्टॉल कर लेना। मैंने इंस्टॉल किया, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। पहले तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको लगे हाँ भाई मेरी वीडियो रियल है। चलिए दोस्तों, मैं आपको कैमरा ऑन करके दिखा देता हूँ। ये दोस्तों, मेरे पास एक दूसरा फोन भी है, ये दोस्तों मैं आप इस पर व्हाट्सएप से मैसेज करूंगा, अब देखना क्या बोलेगा। ये देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाय। अभी देखना दोस्तों क्या बोलेगा। नायरदी से व्हाट्सएप संदेश है हाय। ये देखिए दोस्तों, इसने कैसे बोला, ऊपर से नाम लेकर भी बोलता है। एक बारी और आपको दिखा देता हूँ। क्या हो जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, मैं फिर से हाय भेज देता हूँ, फिर से मैसेज आ चुका है। दोनों बारी मैंने हाय भेजा इसलिए इसने अब की बोला नहीं है। ये थे दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ एक और बारी। अगर आपने इन मेरी सेटिंग पूरी कर ली इस ऐप की, तो फिर जैसे जैसे मैं करूँगा वैसा वैसा ही आपको पता चल जाएगा दोस्तों। चलिए हम चलते हैं उस ऐप की तरफ। ऐप को ओपन करना है, ओपन करते समय मैंने ओपन किया हुआ है इसलिए डायरेक्ट ओपन हो गया। जब आप पहली बार ये बार ओपन करोगे तो फिर ये कुछ परमिशनें मांगेगा, उसको अलाउ कर देनी है दोस्तों आपने। जब ऐसा कुछ फेस आ जाए तो फिर आपने पहले तो जाना है बैटरी पर। बैटरी थोड़ी ऐड भी चलेगी, ऐड चलने देना दोस्तों। पहले तो है बैटरी अनाउंसर, उसको कर देना अलाउ। ये दोस्तों अनाउंस बैटरी लेवल, उसको भी कर देना एलो। चार्जर चार्ज अनाउंसर, उसको भी कर देना एलो। जिसका जिसका भी आप चाहते हैं कि वो ये सब मेरे को बोल कर बताए तो फिर उसका आप ऑन कर दें। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर रिपीट अनाउंसर लिखा है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको तीन दिख रहे होंगे, पहला वंस, फिर टू टाइम्स, फिर थ्री टाइम्स। मैंने थ्री टाइम्स किया हुआ है, ये मेरे को बार बार तीन टाइम्स बोलती है दोस्तों। आप भी वंस टाइम्स भी कर सकते हो, दो टाइम्स भी कर सकते हो, तीन टाइम्स भी कर सकते हो दोस्तों, उतनी बारी वो आपको रिपीट करके बोलेगी। मैंने थ्री टाइम्स किया हुआ है। ये दोस्तों, मैंने अनाउंस इन कॉल, जब मेरे फ़ोन पर किसी का कॉल भी आता है वो फिर उसका नाम लेकर बताती है। जैसे कि किसी का भी फ़ोन आ रहा है, अगर अनाउन नंबर से फ़ोन आ रहा है वो बोलती है अनाउन नंबर से कॉल आ रहा है, जल्दी से उठाओ जल्दी से उठाओ, ऐसे ऐसे बोलती है दोस्तों। फिर मज़ा भी आता है उसकी बातें सुनने में। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता, पहले तो आपने बैटरी का सिस्टम मैंने बता दिया, सारे अलो कर देने हैं। फिर टाइम सिस्टम में जाना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टाइम अनाउंसर, उसको भी अलो कर देना है। अगर टाइम अनाउंसर अलो कर दोगे तो फिर ये अगर जितनी भी परसेंट आपकी बैटरी चार्ज होगी वो बताएगी, अगर कम हो रही है तो भी बताएगी, आपका फ़ोन बंद होने वाला तो भी बताएगी दोस्तों। मैंने सारे अलो अलो कर दिए, आप भी अलो अलो कर देना। इसमें भी लिखा है रिपीट अनाउंसमेंट, इस पर भी हम तीन कर देते हैं या दो कर देते हैं, हम तीन कर देते हैं। ये दोस्तों, मैंने तीन किया हुआ मैसेज बिफोर, ये हमको बताएगी अगर किसी ने मैसेज किया हो। अनाउंस इन कॉल, ये दोस्तों मैंने हर एक चीज़ को अलो अलो कर दिया है, आप भी अलो अलो कर देना अगर हर एक चीज़ करना चाहते हो उसमें। तो फिर बैक आ जाना दोस्तों, तीसरे नंबर पे है ऐप सेटिंग। ऐप सेटिंग में जाके आपने ऐप अनाउंसर को अलो कर देना, फिर दूसरे नंबर पर दिखाया होगा
सिलेक्ट एप्स, उस पर क्लिक करना है, शायद कुछ ऐड भी आ जाए, इसको काट देना है। यहाँ पर इतने सारे ऐप्स आ जाएंगे आपके सामने, जैसे कि मैंने व्हाट्सएप से मैसेज किया था, ये दोस्तों व्हाट्सएप से मैसेज किया था, मेरा व्हाट्सएप अलो है यहाँ पर, इसलिए मेरे को मैसेज आया था। अगर मेरा व्हाट्सएप अलो नहीं होता तो फिर मेरे को मैसेज नहीं आता दोस्तों। अगर आप जिस चीज़ पर चाहते हैं कि उस चीज़ से मेरे को मैसेज आए, अगर कोई भी सेंड करे, तो फिर उसको अलो कर दीजिएगा दोस्तों। मैंने अलो अलो किया हुआ है, जिस पे मैं नहीं चाहता ना मैसेज आए ना बोले, तो मैं उस पर नहीं किया दोस्तों। आप भी कर लीजिएगा। बैक आ जाते हैं, मैं कोच बता देता हूँ, यहाँ पर भी है रिपीट अनाउंसमेंट, यहाँ पर भी हम 3 बारी कर लेते हैं दोस्तों। 3 बारी बोलेगी तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है इसकी आवाज़ सुनने में। ये दोस्तों एसएमएस सेटिंग, इसको ओपन करते हैं। एसएमएस, अगर किसी ने आपको आपके मैसेज पैक में एसएमएस कोई भी आया हो, वहाँ पर जो भी आया होगा वो आपको बोल के बता देगी दोस्तों। अगर आप फ़ोन से अपने दूर भी होंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ का मैसेज आया है। और यहाँ पर चौथे नंबर पे दिख रहा होगा आपको रीड मैसेज, इसको भी ओपन कर लिया मैंने, आप भी कर लीजिएगा अगर आपको चाहिए तो। अलर्ट फॉर एसएमएस, ये जब एसएमएस आने वाले होते हैं या आ चुके होते हैं, उसका अलर्ट कर देती है हमको दोस्तों। अगला है कॉल सेटिंग, कॉल सेटिंग वो भी मैंने अलो किया हुआ है। अगर किसी का कॉल आता है तो मेरे को बोलती है यहाँ कॉल आ रहा है, ऐसे कॉल आ रहा है, इसका कॉल आ रहा है, वैसे वैसे जैसा भी बोलना चाहती है बोल देती है। अगर आप उसको डिसेबल करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अनाउंस इन कॉल, इसको अगर ओपन कर लोगे दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, मैंने अलाउ भी किया और अनेबल भी किया, अनेबल कर लिया मैंने दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि आप फ़ोन से बोल कर ही कॉल करवाना चाहते हो, तो इसको अनेबल कर लेना दोस्तों। हम फिर से आ जाते हैं बैग, फिर है डाटा सेटिंग, डाटा सेटिंग का तो मैंने यहाँ पर दोस्तों, अगर आपको इसको ओपन करना हो कर लेना, पर मैंने नहीं करनी है इसलिए नहीं करता उसको। फिर वॉइस सेटिंग है, वॉइस सेटिंग में जाकर देखते क्या क्या है। Running a small business isn't easy. That's its pain points. But Alibaba. ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर है टाइम स्टार्ट टाइम, ये कब से शुरू करेगी और कब तक बोलेगी दोस्तों, कितना टाइम तक हमको बोलेगी बार बार, वो सेट कर सकते हो आप। फिर दूसरे नंबर पर है एंड टाइम, इसका मतलब है जब कब वो एंड करेगी, मतलब कि 12 बजे तो एंड होता है दिन का, रात के 12 बजे, फिर उसके बाद से तो सवेरा ही होता है अगले दिन का, फिर वहाँ से ही एंड हो जाता है, वहाँ से वो बीते हुए समय में चल जाते हैं, यानी कि वो वहीं से ख़त्म हो जाता है, वहीं से नहीं बोलेगी, फिर अगले दिन स्टार्ट होगा, फिर वहाँ से 10-10 मिनट 5-5 मिनट बाद कुछ भी होगा वो बता देगी आपको। नीचे है स्पीच वॉल्यूम, मैंने 16 रखी हुई है, आप भी कुछ रख लेना। हाई पर है, लो पर भी कर सकते हैं, हाई पर भी, ये मतलब कि इसका है कितनी तेज वो बोलेगी आपको। स्पीच पिच मैंने नॉर्मल रखी हुई है। प्ले वॉइस, यहाँ से आप देख सकते हो कौन कैसे बोले, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ थोड़ी आवाज़ स्लो कर देते हैं हम, बहुत तेज बोलेगी नहीं तो, ये देखना दोस्तों कैसे बोलेगी। ये ध्वनि टेस्ट है, क्या आप ठीक से सुन रहे हैं? ये दोस्तों ऐसे बोलिए, ये अगर आपको ये वाली आवाज़ नहीं पसंद है तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आंसर कर देते हैं, अभी का टाइम 15 घंटे 30 मिनट। ये दोस्तों इसने फिर बोला आपको, अभी का टाइम 15 घंटे 30 मिनट। एक और बार बोलेगी, अभी का टाइम 15 घंटे 30 मिनट। ये देखिए दोस्तों, ये हमको टाइम बता रही है कितना हो गया है, 3-3 बारी अनाउंस करके। इसकी आवाज़ सुनने में मज़ा आता है जैसे बोलती है। मैं फिर से, ये ध्वनि टेस्ट है, क्या आप ठीक से सुन रहे हैं? स्पीच वॉल्यूम इसको थोड़ा कम कर देते हैं, अब देखते हैं। ये ध्वनि टेस्ट है, क्या आप ठीक से सुन रहे हैं? ये दोस्तों इसकी वॉल्यूम कम हो गई। ये ध्वनि टेस्ट है, क्या आप ठीक से सुन रहे हैं? आपको सुन रहा होगा, हम इसको बढ़ा देते हैं या हम इसको नॉर्मल पे रखते हैं, अब देखते हैं दोस्तों कैसे बोलेगी।
ये ध्वनि टेस्ट है, क्या आप ठीक से सुन रहे हैं? ये तो इसने थोड़ा स्लो बोला, अब इसको पूरा लो कर देते हैं, फिर देखते हैं दोस्तों कैसे बोलेगी। हम लो पे लोवेस्ट पे कर दिए सबसे पहले नंबर पे, अब देखते कैसे बोलेगी। ये ध्वनि टेस्ट है, क्या आप ठीक से सुन रहे हैं? ये देखिए दोस्तों इसने कैसे बोला। हाँ इसको हाईएस्ट पे कर देते पूरा, अब देखते कैसे बोलेगी। ये ध्वनि टेस्ट है, क्या आप ठीक से सुन रहे हैं? हम अब इसकी आवाज़ को मोटी भी कर सकते हैं और पतली भी कर सकते हैं। और नमक लाई कि नमक सही है? लोवेस्ट पे नमक रखते सही तो हैं। है ना? ये ध्वनि ये टेस्ट देखिए है, दोस्तों क्या आप कम ठीक आधा से आधा सुन नमक का रहे हैं, ऐसे बोलती है दोस्तों। आपको भी मज़ा आ रहा होगा पानी मेरी में वीडियो कोई देख ऐसे के। पानी मज़ा आए ये खा लो। और अगला नंबर है लैंग्वेज, यहाँ से तो आप लैंग्वेज कर लोगे, आपको पता ही है मैंने इंग्लिश रखी है। प्रोफाइल सिलेक्शन, सिलेक्ट टाइम पे हम देखते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने अब आपको हर एक चीज़ बता दी है। आप अपने फ़ोन से बातें करना चाहते हैं या चाहते हैं वो हमको हर एक चीज़ बताए, तो आप इस वीडियो को से उसकी बातें सुनकर अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप उससे बोल के भी कर सकते हैं। मैं उसकी वीडियो अगली बारी बनाऊंगा। अगर आपके आपने मेरे को इस वीडियो में अच्छे खासे लाइक मिल गए, मेरे को अच्छे खासे लाइक, तो मैं उसके अगली वीडियो अच्छा शायद मेरी GTA 5 पर होगी दोस्तों। अगर GTA 5 हो गई, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि उसको कैसे कैसे करना है, क्या क्या मैंने सोच लिया पूरा A to Z, मतलब कि ये तो दोस्तों मैंने यहाँ पर डाउनलोड भी कर रखा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर GTA 5। शायद अगली वीडियो मेरी इसी पर हो। अगर मेरे को अच्छे खासे इस वीडियो पर लाइक आ गए दोस्तों, तो मैंने अगली वीडियो इसी बना ली, आपको दिख रहा होगा GTA 5 है। अगर आप GTA 5 मेरे थ्रू डाउनलोड करना चाहते हैं, वो भी बहुत सोखे में दोस्तों, तो भी फिर इस वीडियो पे अच्छे खासे थोड़ा लाइक दे देना, ताकि मैं भी खुश हो जाऊँ। आपका कौन सा जाता है लाइक का? कुछ पैसा नहीं लगता ना ही कुछ, बस मेरे को मोटिवेशन मिल जाती है और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना लेता हूँ दोस्तों। कई लोग होते हैं कि वीडियो देखते हैं लाइक भी नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों मैं कुछ ज़्यादा बकवास कर रहा हूँ लग रहा है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। बस आज की वीडियो में बस आपको मैं इतना ही बताऊँगा।